हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, हमने इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज शुरू की थी, जिसमें हम डेली टॉप 30 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारा जो मोबाइल ऐप है वो लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपको डेली के फ्री PDFs, ऑडियोस, वीडियोस, ईबुक्स, जॉब अलर्ट सब कुछ एकदम फ्री में और बहुत सिंपल वे में अवेलेबल हो जाएगा। तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप को डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ चैनल ने आपके बारे में सोच के आपके लिए मैथ्स के सारे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनका शॉर्ट ट्रिक्स के साथ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ PDF लॉन्च किया है, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में, जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो जल्दी से जाइए और इसको परचेस कीजिए। हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, मन्नार की खाड़ी किसके तट पर स्थित है? सो द आंसर इज़ तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु जो स्टेट है हमारा इंडिया का, यहाँ पर जो है मन्नार की खाड़ी सिचुएटेड है। मन्नार की खाड़ी एक उथले पानी की खाड़ी है जो हिंद महासागर में लक्षद्वीप सागर के एक भाग का निर्माण करती है। यह खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्व सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच स्थित है। ठीक है, कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में स्थित है? तो कोरोमंडल की हम बात कर लें तो मेजरली इसका जो पार्ट आता है इन सब में अगर हम देखें तो कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु में, क्योंकि केरला तो देख सकते हैं आप यहाँ पे है, यहाँ है तमिलनाडु, यहाँ आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इन दोनों स्टेट्स में जो है ये फैला हुआ है। कोरोमंडल तट का एक चौड़ा तटीय मैदान है जो पूर्वी तमिलनाडु राज्य, दक्षिण भारत और लगभग 22,800 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में पूर्वी घाट, दक्षिण में कावेरी नदी के डेल्टा और उत्तर में उत्कल जो मैदान है उनसे ये घिरा हुआ है। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? तो अगर हम संरचनात्मक रूप से इसकी बात करें तो ये जो है दक्कन का जो पठार है, जिसको प्रायद्वीपीय भारत का पठार भी बोलते हैं, तो मेघालय का जो प्लेट्यू है जिसको शिलोंग प्लेट्यू भी बोलते हैं, ये उसका पार्ट है। दक्कन का पठार, जिसे विशाल प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है, भारत का विशालतम पठार है। दक्षिण भारत का मुख्य भूभाग इसी पठार पर स्थित है। यह पठार जो है त्रिभुजाकार है और इसकी उत्तर की सीमा सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला द्वारा और पूर्व और पश्चिम की सीमा क्रमशः पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट द्वारा निर्धारित होती है। ओके, जैसा कि हमने मैप में देख लिया था। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो इसमें से कौन सा है? सो सही आंसर क्या है इसका? बैरन द्वीप। ठीक है, बैरन द्वीप जो है क्या है? भारत का ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक है, हम देखते हैं, बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इस द्वीप की गोलाकार आकृति लगभग 3 किलोमीटर की है और यह ज्वालामुखी एक बड़ा सजक है जो कि तट से करीब 0.5 किलोमीटर पर है और लगभग हम बात करें 150 फैथम गहरा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? लक्षद्वीप। ठीक है, तो लक्षद्वीप जो क्या है, प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है, प्रवाल द्वीप समूह है। लक्षद्वीप 36 द्वीप समूह का समूह है। हम बात करें अपने सुंदर और सूरज चुम्बन वाले समुद्र तटों और हरे भरे हुए परिदृश्य के लिए जाना जाता है। मलयालम और संस्कृत में लक्षद्वीप का अर्थ है 100,000 द्वीप। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो सबसे पूर्वी है अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी है गुजरात। ये देख सकते हैं आप, यहाँ अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पर गुजरात। सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले होता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात क्रमशः भारत के पूर्व और पश्चिम में स्थित हैं। दोनों में 30 डिग्री देशांतर का अंतर है और प्रत्येक 2 देशांतरों के मध्य जो है 4 मिनट का समय अंतराल होता है। पश्चिमी घाट क्या है? तो पठारों के ढलान। ठीक है,
भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट सह्याद्री कहते हैं। दक्कन पठार के पश्चिमी किनारे के साथ यह पर्वतीय श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की तरफ लगभग 1600 किलोमीटर लंबी है। आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था? तो आंध्र प्रदेश का जो गठन है वो किया गया था 1953 में। ठीक है, कहाँ पर है आंध्र प्रदेश, हम मैप में देख लेते हैं, यहाँ पर। ठीक है, सो हम चलते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात तेलुगु भाषी क्षेत्र को मद्रास प्रांत से अलग करके 1 अक्टूबर 1953 को नए प्रदेश का निर्माण किया गया, जिसका नाम आंध्र प्रदेश रखा गया। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ठीक है, 1956 बनने के बाद हैदराबाद राज्य को आंध्र प्रदेश में मिलाकर 1 नवंबर 1956 में आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्निर्माण किया गया था। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी हैं। और आंध्र प्रदेश से ही अलग होके जो एक स्टेट बना है, क्या, तेलंगाना, ओके, जून 2014 में। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? सो द आंसर इज कावेरी नदी के द्वारा। शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर है, जो लगभग 98 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। इसका उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए होता है। इस पर स्थापित जल विद्युत गृह एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह है, जिसकी स्थापना 1902 में की गई थी। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन हमें इस क्वेश्चन से मिल जाती है। भारतीय मानक समय का यमुनोत्तर नहीं गुजरता, तो कौन से स्टेट से नहीं गुजरता ये हमें बताना है। सो द आंसर इज महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र यहाँ पर है और वो है, तो यहाँ कहीं से गुजरता है। इलाहाबाद के पास में मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरती है। हम देख लेते हैं, मानक समय वह है जो किसी देश का विस्तृत भूभाग लोगों के व्यवहार के लिए स्वीकृत होता है। यह उस देश के स्वीकृत मानक यमुनोत्तर के लिए स्थानीय माध्य समय होता है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, एक क्वेश्चन आपके लिए कि इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, जो लाइन है, वो गुजरती है। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। लिखने से क्या होता है, जब भी आप कोई भी चीज़ लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाती है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश तट का नाम क्या है? तो कोरोमंडल, मैंने अभी बताया था थोड़े टाइम पहले, हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो कोरोमंडल तट मेजरली आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में फैला हुआ है। कोरोमंडल तट भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट रेखा को दिया गया नाम है। यह क्षेत्र चोल राजवंश द्वारा शासित रहा है और चोल क्षेत्र मंडल को तमिल में चोल मंडलम कहते हैं। भारतवर्ष का आकार विश्व का कितना सबसे बड़ा है? तो 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, ये रहा हमारा इंडिया। और पहले और जो कंट्रीज़ हैं तो उनको हम देख लें तो रशिया, ठीक है, कनाडा, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, अर्जेंटीना, ये रहा अर्जेंटीना साउथ अमेरिका में, ये अल्जीरिया, ये कजाकिस्तान, तो ये कुछ बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं। इसके बाद इंडिया का जो है 7th नंबर पे है, और सबसे बड़ी जो है वह कौन सी है? तो रशिया है। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग, हम बात करें, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का अप्रोक्स 2.4% कवर करता है। भारत के लिए समुद्र मार्ग खोज का श्रेय किसको जाता है? सो द आंसर इज पुर्तगालियों को। वास्को डी गामा को यूरोप से पूर्वी एशिया तक एक समुद्री मार्ग खोजने का श्रेय दिया जाता है। 1502 में उन्होंने फिर से इंडिया की यात्रा की, परंतु इस बार उन्हें मुस्लिम व्यापारियों से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने भारत की तीसरी यात्रा एक पुर्तगाली वायसराय के रूप में की, जिसका मकसद इंडिया में फैले पुर्तगाली भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना था। ठीक है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से लगती हैं? सो द आंसर इज सिक्किम। ठीक है, ये देख सकते हैं मैप में, सिक्किम यहाँ पर है, नेपाल यहाँ पर है, भूटान और यहाँ पर है चाइना। और सिक्किम के दक्षिण में क्या है? तो पश्चिम बंगाल। भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कौन सा है? तो भारत का जो सुदूर पश्चिम बिंदु है वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। ठीक है, ये रहा यहाँ कहीं। भौगोलिक दृष्टि से भारत का मुख्य भूभाग जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश से
37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य है। तो ये जो है इंडिया की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात की गई है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? सो द आंसर इज मालवा का पठार। मालवा का पठार विंध्य पहाड़ियों के आधार पर त्रिभुज आकार का पठार है और एक लावा पठार है। इसमें हम बात करें बुंदेलखंड उत्तर पश्चिम में अरावली पहाड़ियाँ स्थित हैं और मेजरली ये कवर करता है तो मध्य प्रदेश का पार्ट ये कवर करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? तो इनमें से हमें बताना है किन किन से गुजरती है। तो सही आंसर जो होगा गुजरात, असम और मिज़ोरम। ठीक है, सॉरी, इसका जो सही आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, गुजरात से गुजरती है और इसके बाद झारखंड से गुजरती है और इसके बाद मिज़ोरम से गुजरती है, असम से ये नहीं गुजरती है। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सी वाला हो जाएगा, गुजरात, झारखंड और मिज़ोरम। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्यों के त्रिपुरा और मिज़ोरम शामिल हैं। भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? सो द आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। हमने देखा था सबसे ईस्टर्न स्टेट है और इस प्रदेश की जो सीमाएं हैं दक्षिण में असम, दक्षिण पूर्व में नागालैंड, ठीक है, पूर्व में वर्मा यानी कि म्यांमार जिसकी कैपिटल क्या है नाइपीडो, पश्चिम में भूटान और उत्तर में तिब्बत से लगती हैं, उसकी राजधानी क्या है तो ईटानगर। इंडिया नाम आया है तो जो ये जो आया है किससे आया, सिंधु नदी से। कैसे वो हम देखते हैं। भारत को इंडिया कहे जाने के पीछे प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु नदी आधार रहे हैं। दुनिया की बड़ी नदियों में से एक सिंधु नदी जो पाकिस्तान, चीन और भारत में बहती है, इस नदी को संस्कृत में सिंधु और अंग्रेजी में इंडस कहा जाता है और इंडस शब्द से ही इंडिया शब्द बना है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? सो द आंसर इज अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूर्व में सिचुएटेड है। समुद्र तल से 1240 मीटर की ऊंचाई पर स्थित डोंग भारत के अरुणाचल प्रदेश का एक खूबसूरत गांव है जो देश में सबसे पहले सूर्य के दर्शन करता है, तो ये डोंग का नाम भी आपको याद रखना है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? तो आंसर इज राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये रहा राजस्थान, ये रहा मध्य प्रदेश, ये रहा महाराष्ट्र। ओके, गांधीनगर, भोपाल और राजस्थान की कैपिटल क्या है, जयपुर, और मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, भोपाल, और महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, तो मुंबई। गांधीनगर जो है गुजरात की कैपिटल है। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं, किससे अलग करती हैं, तो म्यांमार से। म्यांमार का पुराना नाम क्या है, बर्मा, और कैपिटल क्या है, नाइपीडो। पटकाई भारत के पूर्वोत्तर में वर्मा के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र पर स्थित पहाड़ी श्रृंखलाओं का नाम है। इसके पहाड़ों की ऊंचाई हिमालय की तुलना में काफ़ी कम है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया है? तो सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। रेडक्लिफ रेखा 1947 को बनाई गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, और सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया था, इसलिए इसको रेडक्लिफ लाइन बोलते हैं। डूरन लाइन निम्नलिखित में से 2 देशों के बीच की सीमा है, तो करंटली ये सिचुएटेड है बिटवीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और जब पाकिस्तान इंडिया का पार्ट हुआ करता था तो ये सिचुएटेड थी बिटवीन दी अफगानिस्तान एंड दी इंडिया, लेकिन अब किस किस के बीच में है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के, और हम बात करें मैकमोहन रेखा भारत और चीन, और डूरंड रेखा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में सिचुएटेड है। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? तो आंसर इज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और भारत की जब हम पूरे आइलैंड इंक्लूड कर लेंगे तो भारत की ये सबसे दक्षिणी नोक है और यहीं पर ये सिचुएटेड है। भारत का सबसे दक्षिणी किनारा ग्रेट निकोबार द्वीप समूह का इंदिरा पॉइंट है, जिसे पहले पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते थे। उड़ीसा में APJ अब्दुल कलाम के नाम से किस द्वीप का नाम रखा गया है? आंसर इज व्हीलर द्वीप। सियाचिन है, तो सियाचिन क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र। सियाचिन हिमानी या सियाचिन ग्लेशियर हिमालय के पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास लगभग स्थित एक हिमानी यानी कि ग्लेशियर है।
न्यूमोर द्वीप किन देशों के मध्य विवाद का कारण रहा है? आंसर इस भारत और बांग्लादेश। न्यूमोर द्वीप भारत और बांग्लादेश के मध्य 9 किलोमीटर की परिधि वाले इस निर्जन द्वीप को लेकर भारत और बांग्लादेश में काफ़ी विवाद रहा है। इस द्वीप को बांग्लादेश में दक्षिणी तालपट्टी और भारत में पूर्वासा कहा जाता है। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है? आंसर क्या है इसका? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली से लगती है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई है? आंसर इस प्रवाल उत्पत्ति थी। सो गाइस, ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।